हाय फ्रेंड्स, मैंने आज एक नया रेसिपी बनाया है, तो चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने क्या किया था ना, उड़द दाल और चावल को मैंने भिगो के उसको ग्राइंड करके उसको रख दिया था 12 घंटे के लिए। उसमें थोड़ा सा सूजी मिला लिया और उसको मिक्स कर दिया, थोड़ा सा उसमें नमक मिलाया था। ये जो रेसिपी है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि ये रेसिपी बनाओ आप, तो मैंने कुछ ट्विस्ट मैंने अपने तरफ से भी डाला था। ये जो तड़का है ये ही ट्विस्ट है, उन्होंने नहीं बोला था बट मैंने डाला था। उसके बाद मैंने यहाँ पे तड़के के लिए मैंने सरसों का ऑयल ले लिया एक कड़छी में, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेके उसको मैंने थोड़ा सा जो गैस पे उसको दिखा के उस जो तड़का को ला के वो जो मिक्सचर था ना उसमें डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। हाँ, मैंने मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लगा तो मैंने थोड़ा सा पानी देके उसको पतला किया था। आप चाहे तो पतला कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने बॉयल्ड आलू को रख के बॉयल्ड आलू को मैश करके रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा, प्याज लिया। प्याज अच्छे से भुनने के बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला, आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हो। मैंने हल्दी डाल के उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला था और आलू जो मैंने मैश करके रखा था ना उसको दे दिया और उसको अच्छे से आलू का भरता जैसे बनाते हैं ना, उसको अच्छे से ऑयल में भरता के जैसा बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया ना, आलू के जैसे चॉप बनाते हैं ना आपके घर में, जैसे आप चॉप बनाते हो छोटे छोटे गोले कर लेते हो, वहाँ पे चॉप आप क्या करते हो, जो बेसन या ग्राम फ्लावर होता है उसके घोल में आप डुबा के उसको छानते हो। यहाँ पर हमने क्या किया है ना, जो उड़द दाल और जो चावल है उसके जो मिक्सचर हमने बनाया है उसमें डुबो के मैं छान लूँगी उसका। देखिए ऐसे ऐसे बॉल, छोटे छोटे बॉल मैंने बना लिया था पहले ही। उसके बाद मैंने ऑयल गरम करने को बिठा दिया था। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद मैंने एक एक बॉल लिया, उसको अच्छे से डुबा दिया और उसके बाद उसको छान लिया। और ये सच्ची बताओ तो मैंने पहली बार ये ट्राई किया है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगा। मेरे घर वालों के भी बहुत ही बढ़िया लगा, मम्मी पापा को बहुत बढ़िया लगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ऐसे वीडियोस रोज़ देखिए। और क्या आपको कुकिंग वीडियोस जानना है वो भी कॉमेंट पर बताएगा। और हाँ, आप जरूर घर पे ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, और घर पे सबको खिलाना और बताना कमेंट में कैसा लगा, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया है मेरा, और इसके बाद इसको अच्छे से पलट पलट के थोड़ी देर रखना, क्योंकि जो बेसन होता है वो जल्दी पक जाता है, बट वो जो उड़द दाल और चावल की जो पेस्ट है ना, वो जो मिक्सचर था ना, वो थोड़ा सा अगर अच्छे से नहीं करोगे तो कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए हाँ, मैंने जो उड़द दाल और चावल की वो उसमें मैंने थोड़ा सा सूजी भी डाला था। ये देखिए बहुत बढ़िया हो गया।